पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अभी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ही था कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की फुल फ्रेम वापसी हो गई है। जी हां, आप सबको पता है कि महागठबंधन की सरकार में ललन सिंह दिसंबर के महीने में पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, उससे कहीं ना कहीं उनको अपना पद गंवाना पड़ा था। नीतीश कुमार ने पूरे जदयू की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में संभाल ली है और तब से ललन सिंह फ्रेम से गायब थे। उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चली कि जदयू तोड़ सकते हैं ललन सिंह, लालू प्रसाद यादव के साथ ललन सिंह का सांठगांठ हो गया है, अपने डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जदयू के 12 विधायकों को तोड़कर राजद के साथ गठबंधन करके एक बार फिर से ललन सिंह फ्रेम में आना चाहते थे, लेकिन क्या इन सभी चीज़ों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भांप लिया, अपने हाथों में पूरे जदयू की कमान संभाल ली। तब से ललन सिंह काफ़ी गायब थे, लेकिन देखिए कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, चूँकि अब एनडीए का गठबंधन हो गया है बिहार में। कल ही हमने आपको पंचनामा के माध्यम से समझाया था कि किस तरीके से ललन सिंह की फुल फ्रेम में वापसी हो गई है और ये ताकत कहाँ से मिली है। जो ताकत नीतीश कुमार की तरफ से नहीं मिल रहा था, क्या वो नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को वो पावर दे दिया है, पावर बूस्टर मिल गया है क्या नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद? देखिए, नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अब बिहार को लेकर, विकसित बिहार बनाने को लेकर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो काम करते रहते हैं और बिहार में जिस तरीके से स्थितियां गड़बड़ हुई थी, जदयू के अंदर जो भगदड़ मचा हुआ था, इन तमाम चीज़ों पर ललन सिंह ने अपना बयान दिया है। बिहार की राजनीति हवा जो है वो शुद्ध हो गई है, ललन सिंह का ये बड़ा बयान है। तो क्या महागठबंधन के अंदर ललन सिंह जो खेल करना चाहते थे, उस पर कहीं ना कहीं जदयू के अंदर जो दोहापाती की स्थिति मची हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं ललन सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। जदयू के सांसद हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए नरेंद्र मोदी ने मुंगेर लोकसभा सीट पर इनके नाम पर मुहर लगा दिया है। क्या केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा ललन सिंह की तेज हो गई है? नरेंद्र मोदी से मुलाकात और फिर जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो डाला, उस फोटो से जो सहजता दिख रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज ललन सिंह का था, वो ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था कि ललन सिंह का मंत्री बनना तय हो गया है। अब आपको ये भी बताते चलें कि बिहार के हित में महागठबंधन से अलग हुई है जदयू, ये बातें ललन सिंह का कहना है। इतना ही नहीं, ये भी कहना है उनका कि पार्टी के अंदर अब जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगी। 2024 के चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी, लेकिन सबसे अहम बयान ललन सिंह का ये है कि बिहार की राजनीति हवा अब शुद्ध हो चुकी है। तो ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद। इस बयान से क्या माना जाए, सब कुछ फाइनल है, डील फाइनल हो चुकी है। चलिए, तमाम खबरें लगातार हम आपको भारत लाइव से बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।